हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज 10 को अपडेट करना चाहते हैं, उसके जो नए पैचेस नए अपडेट्स आ चुके हैं वो आपको इंस्टॉल करना है, वो कैसे करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप विंडोज अपडेट कैसे करते हैं, विंडोज 10 को अपडेट कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आपका स्टार्ट बटन है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको रन बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको टाइप करना है ser.msc, ठीक है। आपको यहां पर ये कीवर्ड टाइप करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो एक सर्विस आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज अपडेट का सर्विस है वो रनिंग है या नहीं है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको। यहां पर आपको विंडोज की सर्विस है आपको वो चेक करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर विंडोज जो अपडेट है यहाँ पर आपको जो सर्विस है वो रनिंग में होना चाहिए। ओके, अगर आपका ये सर्विस रनिंग नहीं है और यहाँ पर स्टॉप है तो आप उसको स्टार्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जो आपका ये विंडोज अपडेट है यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर मैनुअल देख रहे हो, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक रखना है। ओके, और यहां पर उसको अप्लाई कर देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अगर ये सेटिंग्स आपका पहले से ही इनेबल है तो आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस चेक कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, बंद कर देना है इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से स्टार्ट बटन पर जाना है, राइट क्लिक करना है और यहां पर सेटिंग्स बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक विंडोज अपडेट सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नो अपडेट्स अवेलेबल ऐसा दिखेगा और यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और उससे पहले आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड होना चाहिए, विंडो कनेक्टेड होना चाहिए प्रॉपरली। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये चेक फॉर अपडेट है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपका वो विंडोज अपडेट अगर यहाँ पर मिसिंग है वो उनको फाइंड कर लेगा और उनको अपडेट कर देगा। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर उसको बहुत सारे सिक्योरिटी जो अपडेट हैं यहाँ पर मिल चुके हैं और उनको वो डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग इसका वेट करेंगे कि इसको कितना टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में। इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, ओके, और इसको फुल अपडेट हो जाएगा तब तक हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर जो ये लास्ट अपडेट है यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका वेट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है या फिर ये ऑटोमेटिकली ही रिस्टार्ट हो जाएगा आपका विंडोज 10। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जितने भी पेंडिंग इंस्टॉलेशन थे, जहाँ पर इंस्टॉलेशन दिखा रहा है आपको, यहाँ पर पेंडिंग रिस्टार्ट एक ऐसा आ रहा है। तो आप यहाँ पर अभी क्या करना है आपको, जैसे कि आपके पास पूरे सारे के सारे अपडेट्स डाउनलोड हो गए हैं और इंस्टॉल हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक किया, जो आपका लैपटॉप है डेस्कटॉप है यहाँ पर रिस्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका विंडोज अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे आप स्टार्ट बटन के ऊपर, सेटिंग्स के अंदर जाना है वापस से आपको। यहाँ पर आपको अपडेट
सिक्योरिटी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पर अप टू डेट हो गया है। यहाँ पर कंप्लीट होने को, विंडोज अपडेट होने को कम से कम मेरे को 1 घंटा लगा है, ठीक है। तो आपको भी इतना टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको विंडोज अपडेट कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपको कुछ मदद मिला, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन दोबारा ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।